शिवसेना वाहतूक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष व समाज सेवक दीपक महेश्वरी ने कोरोना से बचने के लिए किया अपील। दीपक महेश्वरी ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में सभी का काम धंधा बंद था, कुछ दिनों से सभी को थोड़ा बहुत राहत मिली है और सभी का कामकाज चालू हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग कोरोना बीमारी को न बढ़ने दें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को रोका जा सके। आपको बता दें कि दीपक महेश्वरी कोरोना लॉकडाउन में सभी जरूरतमंद लोगों को काफी सहयोग कर चुके हैं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र सबको। बढ़ती संख्या कोरोना में जो फैल रही है, अभी कल का जो हमने न्यूज़ पढ़ा और जो उल्लेख आया है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि संख्या फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। धारावी, चेंबूर काफ़ी एरियाज में भी बढ़ना संख्या बढ़ी है। अगर इसको अभी नहीं संभाला गया तो एक समस्या बन सकती है आगे वापस। पहले के दौर में लोगों ने सेवाएँ करी, संस्थाएँ आगे आई, लेकिन आज की तारीख में आमदनियाँ सबकी कम हो चुकी है, सेवा संस्था भी थक चुकी है, तो वो सेवाएं जो पहले प्राप्त हुई शायद आगे नहीं मिल पाएगी मेरे हिसाब से। फिर भी कोशिश जरूर करेंगे सब लोग सेवा करने की, लोगों की हित के लिए। लेकिन मैं ये सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप खुद अपना ध्यान रखिए, मास्क वापरिए, सैनिटाइजर वापरिए, जो डॉक्टर ने परिणाम दिए हैं सारे उन चीज़ों को वापरिए, अपना ध्यान रखिए, तो ये जो वातावरण हो रहा है इसको हम रोक सकें और सरकार का साथ दे सकें। सरकार का साथ देने में ही हमें फ़ायदा है और हम सबके सुखमय जीवन का एक साथी है। आपके इस करने पे मैं सबका आभारी रहूँगा। सबको आपकी शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपना सुखमय जीवन बिताइए और अपनी रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए और आगे अच्छा फ्यूचर हमें मिल सके उसकी तैयारी कीजिए। देखा जाए तो पिछले 2 महीने के अंदर जब से थोड़ा बहुत खुला है लॉकडाउन, लोगों ने इसका मिसयूज़ करना चालू किया है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अगर देखा जाए यूके की स्थिति, आज यूके में आज भी बंद है, लॉकडाउन है। 15 मार्च तक का डिक्लेरेशन लॉकडाउन का आज भी यूके में है। अगर उन देशों में आज ये स्थिति है तो हमारे देशों की परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब है। हमें और चौंकना रहना पड़ेगा। स्कूलों में लोगों ने, बच्चों ने इसके ऊपर नज़रअंदाज किया है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुट के बात कर रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, ये गलत है, इस चीज़ का बढ़ावा है। हमें सतर्क रहना है, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करनी है, मास्क का वापर कीजिए, बच्चों को खास करके इसमें योगदान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अकेले ही रहते हैं अक्सर, माता पिता उनके साथ में रहते नहीं हैं, तो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है और स्कूल वालों को भी इसको समझना चाहिए कि कैसे इस परिस्थिति से हम लड़ सकें, बच्चों को दूरी बनाए सकें और हर क्लास में कितने कम बच्चे हम ला सकें या कितनी दूरी संभाल सकें, उसको संभालना स्कूल का काम है। और हॉल में लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि 10 महीने बाद में हॉल खुले हैं तो लोगों ने हॉल ऐसे खोल दिए हैं कि लोग झुंड के झुंड बना रहे हैं। जहां सरकार ने 50 लोगों के लिए परमिशन दी है, वहाँ 500 लोगों की शादियाँ हो रही है। मतलब 500 लोग जमा होना, मतलब हम एक कोरोना काल को फिर से जो आमंत्रण कर रहे हैं, ये चीज़ बड़ी गलत हो रही है। अगर हम सब इसको अगर ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देंगे तो ये नुकसान देगा हमें आगे के लिए। तो आज का ध्यान कल की सुरक्षा, ये सबके काम आएगी। मेरा बस एक ही निवेदन है, इस पे अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज़, मुंबई।